वेलकम बैक टू आई लैम अकेडमी एंड टुडे वी आर डूइंग एक्सरसाइज 11B और क्वेश्चन भी 11 ही आ गया, तो क्वेश्चन 11 कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम फिगर को देख लेते हैं। फिगर हमारे पास ना फिर वही पुराने ज़माने की पतंगों वाली आ गई है, मेरी पिछली वीडियोस में भी आई थी। वाह, मेरी ड्राइंग चेक करें आप, अच्छी है बहुत। उसके बाद ये हमारे पास आ गई, ये हमारे पास 44 आ गया, ठीक है, और ये हमारे पास 25 आ गया। अजीब मछली सी फिगर बनाई है, मगर इग्नोर कीजिएगा। ये दो साइडें सेम हैं और ये दो साइडें सेम हैं, और फिर से उल्टी सीधी ABC के साथ, ए यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है और डी यहाँ है, और ये लाइन बीच से यूँ कट होके यहाँ पे आई हुई है, ठीक है। तो एक ट्रायंगल हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, एक ये है, ठीक है। तो देखते हैं कि हम इन ट्रायंगल्स की मदद से क्या निकाल सकते हैं। पहले तो उन्होंने पूछा है कि आपने ABD निकालना है, मतलब कि ABD ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये आप किस तरह निकालोगे? तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे कि देखो, जो आपका BAC है ना, ये वाला, ठीक है, ये भी 25 ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये बीच से कटी हुई है ना, दोनों साइडें भी सेम है, ठीक है। और दूसरी बात, ये 44 है तो ये भी 44 ही होगा, मगर अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी हमें 25 चाहिए था। और उसके बाद जो आपका 25 के बाद हम जो ये आ जाता है आपका AB जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है। तो इस हिसाब से BDA, ठीक है, और जो आपका DBA है, मतलब ये दो एंगल्स, ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों एंगल्स को हम क्या करते हैं, इन दोनों एंगल्स को हम एक्स रख लेते हैं, ठीक है। अब आपने कंसीडर पता है कौन सी ट्रायंगल करनी है, कंसीडर आपने ये पूरी ट्रायंगल करनी है। तो पूरी ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, और कंसीडर करने के बाद हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं 2 × 25, क्योंकि 25 दो दफ़ा है, प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। ये तीनों साइडें मिला के 180 के इक्वल रख दें, ठीक है। ये 2x 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 50 आता है, ये 50 इधर आके माइनस हो जाएगा 180 से, और 180 से जब 50 माइनस होगा आपका, तो आपके पास रह जाएगा 130। 130 में से जब 2 को हम निकाल देंगे तो आपके पास रह जाएगा 65, ठीक है। तो आपके पास आपका ABD तो 65 निकल आया, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है पार्ट टू। पार्ट टू के अंदर क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। पार्ट टू में हमने क्या निकालना है, पार्ट टू में हमने निकालना है CBD। CBD कौन सा है, CBD मतलब कि ये वाला एंगल, ठीक है। अब ये वाला एंगल हम किस तरह निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका BCA है ये वाला, और ये भी 44 ही होगा जो हमने पहले बताया था, ठीक है। ये हमारे पास 44 आ गया, ठीक है, और वही करेंगे कि अब इसको वाई ले लेते हैं और इस वाले एंगल को भी वाई ले लेते हैं, ये वाले एंगल को भी वाई ले लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम होंगे ना, ये दोनों एंगल वाई ले लिए। और उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने पार्ट वन सॉल्व किया है, वाई प्लस वाई इज इक्वल ओ प्लस 2 × 44 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो भाई इस तरह से आपका वो भी निकल आएगा, तो ये आपके पास 2y हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 × 44 88 होता है, और ये इधर आके 180 से माइनस हो जाएगा। जब ये इधर आके 180 से माइनस होगा तो आपके पास रह जाएगा 92, और 92 से जब 2 डिवाइड होगा तो आपके पास रह जाएगा 46। और इसी के साथ साथ ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, CBD इज इक्वल्स टू 46, और ये है आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व। तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।